भी ऐसा लग रहा है साहब, लाठियों से ही वोटों की संख्या में बढ़ोतरी होती तो हर तीसरा आदमी लाठियां ही खाता। संघर्ष करना पड़ता है। पायलट साहब को मैं आदर्श मानता हूँ, बड़े भाई मुकेश जी भाकर, पायलट साहब, इन लोगों ने संघर्ष किया है। सड़कों पे ये लोग दौड़े हैं, फिर भी इन लोगों के इनकी संघर्ष की तवज्जो नहीं मिली। तो मैंने एक चीज मन में ठान ली थी कि निर्मल, जब जीवन के अंदर संघर्ष खुद को करना है तो उसके बाद संगठनों में रह के क्यों करना। जब संगठन के अंदर आपके संघर्ष को तवज्जो ही नहीं दी जाती है, जब वहाँ टिकटें बाहुबल पे, धन बल पे दे दी जाती है, भाई अब इतने बड़े बड़े लोग थे तो मुझे तो टिकट कैसे मिलती। मैं तो मास्टर का बेटा हूँ, आगे की राजनीति के अंदर साहब मैं छात्र शक्ति का सेवक बनूंगा और इस राजस्थान विश्वविद्यालय की दशा और दिशा सुधारने का प्रयास करूंगा। अब एक महीने बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, तब आप लोगों को गिनाऊंगा कि मैं इस राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए क्या क्या एक महीने के अंदर काम कर पाया। आप लोगों को हिसाब किताब दूंगा। आप लोग बस मुझे मीडिया मुझे मजबूती प्रदान करते रहना। मैं यहाँ छात्र शक्ति जो पढ़ने आ रही है उनको गर्व महसूस होगा कि वाकई में हमने जिस निर्मल चौधरी पे भरोसा किया था वो हमारे साथ आज जी जान और पूरी ताकत से खड़ा है और राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर बदलाव लाने के लिए प्रयास कर रहा है। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि एक महीने के अंदर इतने बदलाव करूंगा। आज सड़कें टूटी फूटी पड़ी है। आज कोई राजस्थान यूनिवर्सिटी के इस बड़े विश्वविद्यालय के अंदर आता है बरसात के समय में तो घुटनों तक का तो पानी मिलता है। ये मुख्यमंत्री जी यहाँ आकर बड़े बड़े सांसद और मंत्री उद्घाटन करके जाते हैं, उन लोगों को दिखता नहीं है क्या कि हमारे दोस्त विधानसभा के स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उन लोगों को सोचना विचारना नहीं चाहिए क्या कि इस राजस्थान यूनिवर्सिटी को कुछ बजट देने की, यहाँ की शिक्षा के लिए कुछ करने का हमारे को प्रयास करना चाहिए। और कोई कमिटमेंट जो आप छात्रों से करना चाहें निर्मल बताइए, कोई मन में कोई बात हो बोलिए। मन में बात मेरे बस एक ही है, जो छात्र शक्ति ने मुझे भरोसा दिलाया है, मैं महसूस करा दूंगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रत्येक छात्र और छात्रा इतना मजबूत हो जाएगा, अपने आप पे इतना भरोसा हो जाएगा। छात्रा सुरक्षा के लिए मैं इतना कार्य करूंगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रत्येक कोने पे सीसीटीवी राजस्थान